below the wells that are dry to try to find any water whatsoever. What could happen without improved water management? This is a government issue here. 21 cities by just next year could run out of groundwater. That's just next year. Now the projection in 10 more years. By the year 2030, 40% of all of India could have no water in their groundwater and no access to drinking water. आज के दिन दोस्तों हमारे देश के इतिहास में ये सबसे बुरा वाटर क्राइसिस चल रहा है इस वक्त। इंडियन मेट डिपार्टमेंट के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारी आधे से ज्यादा देश ड्राउट जैसी कंडीशन से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों में इसका सबसे बुरा असर चेन्नई पर दिखा है, जहां के वाटर रिजर्वर्स की कैपेसिटी यानी कितना पानी है चेन्नई के वाटर रिजर्वर्स में वो नीचे गिर के सिर्फ 0.2% पर आ गई थी। चेन्नई में एक ये लेक है, इनकी वन ऑफ द मेन वाटर रिजर्वर्स है जहां पे चेन्नई सिटी को पानी मिलता है। जिससे ये इस लेक की दोस्तों सितंबर 2018 की फोटो है। अब देखिए धीरे धीरे ये जून 2019 तक कैसी हो गई। ये सैटेलाइट इमेजेस ली गई हैं इस लेक की, धीरे धीरे सूखती चली गई और पूरी सूख गई जून 2019 में, जो कि आज तक नहीं हुआ था इस लेक की हिस्ट्री में। जून 2018 और जून 2019 ये दो सैटेलाइट इमेजेस हैं, सेम महीने ली गई हैं, एक साल पहले और ये इस साल। और चेन्नई के सारे वाटर रिजर्वर्स की यही हालत है अगर आप इनकी सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो। पानी की इतनी कमी की वजह से वहां की आईटी कंपनीज ने लोगों को बोला कि आप घर बैठकर ही काम कर लो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ढेरों रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े, लोगों को पानी लेने के लिए बाहर से, शहर के बाहर से प्राइवेट वाटर टैंकर्स मंगाने पड़े। पिछले साल इसी महीने चेन्नई में एक वाटर टैंकर की कॉस्ट थी 1500 रुपीज। एक वाटर टैंकर से दोस्तों एक फैमिली का 15 दिन गुजारा चल सकता है। इस साल दोस्तों एक वाटर टैंकर की कॉस्ट 6000 रुपए तक पहुंच चुकी है, 6000 रुपीज तक पहुंच चुकी है। यानी आप सोच कर देखिए, एक फैमिली को अगर एक महीने अपना गुजारा चलाना है तो पर मंथ वो 10000 रुपए से ज्यादा पे करेंगे सिर्फ पानी के लिए। इसमें लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज कैसे गुजारा चला पाएंगी अपना, गरीब लोग कैसे गुजारा चला पाएंगे अपना। यही रीजन है कि पानी को लेकर बहुत सी लड़ाइयां भी हुई और पानी के ऊपर एक लड़ाई को लेकर ही चेन्नई में एक आदमी का मर्डर भी हो गया। और ये प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर से ऐसी ही कहानियां सुनने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में ढेर सारे इंसिडेंट्स हुए, लोगों के बीच में लड़ाई हुई पानी को लेकर। एक इंसिडेंट में जो वाटर टैंकर का ड्राइवर था उसको लोगों ने पीट दिया पानी को लेकर कि वो उन्हें ढंग से पानी नहीं दे रहा था। उत्तर प्रदेश में भी खबर आ रही है राइड्स होने की। एक ऐसी भी खबर आई थी इलेक्शन से पहले कि 5 गांव ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया पानी की प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि उन गांव वालों को लगा कि हमारी प्रॉब्लम कोई सरकार सॉल्व ही नहीं करती है तो हम इलेक्शन में वोट ही नहीं देंगे। झारखंड में एक आदमी ने 6 लोगों को चाकू से मारा पानी के ऊपर लड़ाई को लेकर। मध्य प्रदेश में तो इनफैक्ट वाटर टैंकर्स को गार्ड करने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। राजस्थान में लोग अपने पानी की टंकियों पर लॉक्स लगाने लग गए हैं कि कोई पानी चुरा कर ना लेके जाए। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से बहुत इंटर रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी गर्मियां ज्यादा गर्म होती जा रही हैं, सर्दियां ज्यादा ठंडी होती जा रही हैं, और जो बारिश के मौसम है, बारिश का मौसम छोटा हो रहा है लेकिन जब भी बारिश होती है तो और ज्यादा इंटेंसिटी से होती है। इससे क्या हो रहा है कि जब भी बारिश होती है तो फ्लड्स आ जाते हैं और जब बारिश नहीं होती तो ड्राउट पड़ जाता है। अब अगर पेड़ काटे जाएंगे, इन्वायरमेंट को और ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो ये चीज और भी ज्यादा बड़े स्केल पे होने लग रही है। स्पेशली जब ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि एक बुलेट ट्रेन ट्रैक बनाने के लिए यहाँ पे हजारों 34,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर अभी एक सीरीज आई थी लैला, अगर आपने देखी हो दोस्तों, ये सीरीज दिखाती है कैसे एक्सट्रीम नेशनलिज्म और एक्सट्रीम रिलीजन एक देश को किस हद तक नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज ये सीरीज दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कहां ले जाएंगे हमारे देश को फ्यूचर में। इस सीरीज में दिखाया कैसे साफ हवा और पीने का पानी एक लग्जरी बन चुकी है, नलका खोलते हो तो वहां से काला पानी निकल के आता है। इस सीरीज में दिखाया कैसे अमीर लोगों ने एक दीवार बना ली अपने अराउंड जहां वो रहते हैं ताकि बाहर की गंदगी से दूर रह सके। लेकिन क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज है जो सभी पर असर करेगी, गर्मी तो उनको भी सहनी पड़ेगी बाहर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो इस सीरीज में दिखाया वो लोग डिसाइड करते हैं हम एक डोम बना लेंगे अपनी दीवारों के ऊपर ताकि परमानेंटली एसी चल सके उसमें। यानी एक बड़ी सी दीवार खड़ी करके, बड़े से कमरे में अपने आप को बंद करके उसमें एसी में खुश रहेंगे और बाहर की दुनिया चाहे नरक बनती रहे। तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर आने वाले 50 सालों में ये हमारा फ्यूचर होता है तो। अगर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इसी तरह से चलती रही, ये वाटर क्राइसिस इसी तरह से चलती रही तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा ऐसा होना। और ये जिस तरह से पानी के ऊपर लड़ाइयां होती हुई दिख रही हैं हमें,
तो इतनी बड़ी क्राइसिस है यहां पर, हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके रिगार्डिंग? आपको क्या लगता है दोस्तों, गेस करके देखिए। हमारी सरकार हमेशा की तरह प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने को ही राजी नहीं है। तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि ये जो वाटर क्राइसिस है ये एक मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है। कुछ दिन बाद यही मिनिस्टर दिखाई देते हैं पूजा करते हुए इस वाटर क्राइसिस को लेकर, यानी ये भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आएंगे इस वाटर क्राइसिस को सॉल्व करेंगे। हमारे देश के जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र साहब, जो कहते हैं कि वाटर क्राइसिस इज फेक हाइप क्रिएटेड बाय मीडिया। इनके हिसाब से ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना मीडिया बना रहा है इस चीज को। बिहार में दूसरी तरफ दोस्तों कुछ 40 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वाटर क्राइसिस को लेकर और एंसेफलाइटिस से मरे बच्चों की मौत को लेकर। इसका रिजल्ट क्या निकला? उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर ही उल्टा FIR दर्ज कर दी गई। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आप पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने की बात करी जाती है, इंडिविजुअली नॉर्मली कहा जाता है कि आप अपनी पानी की कंजम्पशन को रिड्यूस कीजिए, कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो सबको पता है कि पानी कम से कम यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी। लेकिन मैं इससे अब एक स्टेप आगे बढ़ के आपको बताना चाहूंगा पानी को रीयूज कैसे कर सकते हैं। रीयूज को समझने के लिए आपको यह समझना होगा पानी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रे वाटर और एक होता है ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर वो होता है दोस्तों जो आपके सिंक से पानी बह रहा है, जो आपकी वॉशिंग मशीन से पानी बह रहा है, जब आप नहाते हैं तो ड्रेन में जो पानी जा रहा है वहां पर। और ब्लैक वाटर वो हो गया जो टॉयलेट से आपके पानी बहता है। तो ब्लैक वाटर एक्चुअली में गंदा पानी होता है जिसमें आपकी फीसेस मिली होती है, जिसमें आपका टॉयलेट मिला होता है, वो नाली में जाना चाहिए, वो ड्रेन में जाना चाहिए। लेकिन जो ग्रे वाटर है हमारा दोस्तों, ये कोई इतना गंदा पानी नहीं होता है। जब आप नहाते हैं जो पानी नीचे बह रहा है तो उसमें आपका साबुन ही मिला होता है नॉर्मली, और क्या होता है उसमें, थोड़ी बहुत गंदगी जो उस पर लगी होती है, मिट्टी मिल जाती है कई बारी। तो ये ग्रे वाटर कोई ज्यादा गंदा पानी नहीं होता, इसको रीयूज बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं सबसे साफ टाइप के ग्रे वाटर से शुरू करूंगा, जिसे शायद ग्रे वाटर कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पानी इतना साफ होता है। मैं बात कर रहा हूं एसी की, आपके कमरे में लगा एयर कंडीशनर, उससे जो पानी निकलता है। एसी कैसे काम करता है दोस्तों? आपके कमरे में जो ह्यूमिडिटी होती है ये उस ह्यूमिडिटी को सोखता है, कंडेंस करता है और आउटलेट में पानी निकलता है। आपने देखा होगा ना एसी के पीछे की पाइप लगी होती है, उससे धीरे धीरे करके पानी बहता रहता है। तो ये जो पानी है दोस्तों ये ह्यूमिडिटी से बनता है और ये काफी साफ होता है, क्योंकि गंदा भी क्यों होगा ये, आखिर में आपके कमरे में मौजूद ह्यूमिडिटी ही तो यूज हो रही है इस पानी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप एसी के आउटलेट पर एक बाल्टी रखकर इस पानी को कलेक्ट करेंगे, एक टिपिकल गर्मी के दिन दोस्तों ये 5 से 10 लीटर तक पानी कलेक्ट हो सकता है सिर्फ एक दिन में, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ह्यूमिडिटी आपकी हवा में। और ना सिर्फ ये साफ पानी है बल्कि ये ठंडा पानी भी है, आप इसे नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं। बट एक चीज मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों, ये पानी इतना साफ भी नहीं है कि आप इसे पी लें, तो इस पानी को पीजिए मत बिना साफ, बिना ट्रीट करें, लेकिन बाकी कामों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है आपका आरओ। आपका जो आरओ फिल्टर है वो करीब करीब 75% पानी वेस्ट कर देता है पानी को फिल्टर करते समय। अब आप सोचेंगे कि जब वो पानी को फिल्टर कर रहा है तो जो पानी आरओ से वापस निकल रहा है वो गंदा पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ज्यादातर जो पानी निकलता है वो नॉर्मली सॉल्टी होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप उस पानी को पी सकते हैं, वो पानी नहाने लायक भी नहीं होता, लेकिन वो एक टाइप का ग्रे वाटर होता है। तो इस पानी को आप यूज कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में, या फिर आप यूज कर सकते हैं इस पानी को गार्डन में प्लांट्स को देने के लिए। इनफैक्ट ये वॉशिंग मशीन वाला आइडिया तो इतना पॉपुलर हुआ था, ये पिक्चर बड़ी वायरल चली गई थी, किसी ने अपने घर में आरओ इंस्टॉल कर रखा है, जो आरओ से पानी निकल रहा है वो वॉशिंग मशीन के लिए यूज किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर है आपकी वॉशिंग मशीन की रिंस साइकिल से निकलने वाला पानी। अब इस पानी में दोस्तों कपड़ों में जो गंदगी होती है वो मिली होती है, और जो आप डिटर्जेंट डालते हैं कपड़े धोने के लिए या कुछ डालते हैं वो होता है यहाँ पर। तो इस पानी को डेफिनेटली टॉयलेट के फ्लश में यूज किया जा सकता है, प्लांट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, अगर आप इस अपनी वॉशिंग मशीन में ब्लीच, बोरॉन और सॉल्ट ना इस्तेमाल करें। तो अगर आप ध्यान करके थोड़ा जिससे कपड़े धो रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर उसको यूज करेंगे तो आप वॉशिंग मशीन के निकलने वाले पानी को प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं इतना सोचना तो डेफिनेटली टॉयलेट में तो यूज किया ही जा सकता है इसे। चौथे नंबर पर है जब आप बर्तन धोते हैं, सिंक में हाथ धोते हैं, या फिर जब आप नहाते हैं, इन सब से जो पानी निकलता है इसे प्रॉपरली ग्रे वाटर करके डिफाइन किया जाता है, और आप इसे बेझिझक प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टॉयलेट के फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस पानी को कलेक्ट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोगों के घर में सीधा सीधा ड्रेन लगी हुई है जब वो नहा रहे हैं या फिर सिंक में हाथ धो रहे हैं। तो
तो सिंपल सी बात यहां पर ये, अगर आप ये कर सकते हैं तो एक बड़े से टब में नहाइए ताकि पानी कलेक्ट हो जाए वहां पर, एक सोल्यूशन इसका ये हो सकता है। या फिर एक स्टेप आगे कोई जाना चाहता है तो अपने वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप जा रही है आप उसको खोल के उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं यहां पर। तो ओवरऑल अगर आप देखो यहां पर दोस्तों, हम कितना सारा पानी इन सारी चीजों में यूज करते हैं जो इवेंचुअली सारा नाली में बहता है, गंदे पानी के साथ मिक्स होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ मिक्स होता है और हमारी नदियों में बहकर चले जाता है। एक्चुअली में सारा गंदा होता ही नहीं है, सिर्फ जो टॉयलेट से निकलने वाला ब्लैक वाटर है वही गंदा पानी होता है जिसे ड्रेन में जाना चाहिए। बाकी सारा पानी कंपैरेटिवली साफ होता है जिन्हें इतनी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं जाता है। उस पानी को भी उस गंदे पानी से मिक्स कर दिया जाता है और वो सारा का सारा नाले में बहकर मिक्स हो जाता है। पांचवी स्टेप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये खुद से करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, अगर आप सब कुछ खुद से करना चाहें अपने घर में, लेकिन इसके लिए भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जिसे आप डिटेल में समझ पाए, मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आप हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक स्टेप और लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको आप चैंपियन चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए। चैंपियन चैलेंज मेरी तरफ से एक चैलेंज है, आप अपनी लोकेलिटी की सफाई कीजिए, अपने मोहल्ले की सफाई कीजिए और आपको मिल सकता है 1,00,000 रुपए जीतने का मौका। ये कैसे काम करेगा, क्या टाइमलाइन है इसकी, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सरकार की तरफ से जब सॉल्यूशंस की बात आती है यहां पर, तो आप यहां पर कहोगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दे सरकार, सबसे पहली चीज दिमाग में यही आती है। अब मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है, स्पेशली तमिलनाडु में जहां पे सबसे चेन्नई में सबसे बुरी क्राइसिस हुई है, 2001 से लॉ बना हुआ है कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी तमिलनाडु में उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। 20 साल हो गए हैं उस लॉ को बने हुए और आज 20 साल बाद वर्स्ट वाटर क्राइसिस फेस करनी पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है ये लॉ इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया है यहां पर, तो सरकार पहले तो ये कर सकती है कि इस लॉ को इंप्लीमेंट करे ऐसी चीजों को। दूसरा क्या कर सकती है सरकार, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करे और उस ट्रीटेड पानी को यूज करे लोगों को पानी पिलाने के लिए, या फिर हमारी जो सूखी हुई लेक्स हैं, जो वाटर बॉडीज हमारी सूख चुकी हैं, जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते थे हमारे टाइम पे, जोहड़ हो गए जैसे, उन सबको रिवाइव करने में मदद करें। अब इस चीज पर मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये दिल्ली में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, एक वर्किंग मॉडल है हमारे पास जिससे बाकी स्टेट्स इंस्पिरेशन ले सकती हैं। तो मैं कहूंगा आप इस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके यहां पर, और समझ सकते हैं ये चीज किस तरह से काम कर सकती है काफी कम कॉस्ट में एक सरकार के लिए। तीसरा ऑप्शन है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है दोस्तों, बादलों में हवा में केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से जो कंडेंसेशन होता है, जिससे पानी आइस में बनता है, जिससे बादल बनते हैं, वो एक हायर टेम्परेचर पे बन सके, ज्यादा जल्दी बन सके। तो ये केमिकल्स डाल के इससे प्रेसिपिटेशन के चांसेस, बारिश कराने के चांसेस ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। कर्नाटका सरकार ने 91 करोड़ रुपीज क्लाउड सीडिंग के लिए रखे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने 30 करोड़ रुपीज क्लाउड सीडिंग कराने के लिए रखे हैं दोस्तों, लेकिन मेरी राय में ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ये कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च की गई है अभी तक सबने या तो ये बताया है कि सिर्फ 10% चांसेस बढ़ जाएंगे बारिश आने के, या फिर 10% ज्यादा बारिश आएगी क्लाउड सीडिंग करने से, या फिर कोई असर नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हैं जो अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है कि बारिश एक्चुअली में ज्यादा होती है अगर क्लाउड सीडिंग करी जाए तो। चौथा ऑप्शन है दोस्तों डीसैलिनेशन, यानी समुद्र का पानी हम लें, डीसैलिनेट करें और उसे पीने लायक बनाएं यहां पर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा प्रोसेस है यहां पर, इसके सक्सेस पर, इसकी इकोनॉमिक्स पर बहुत लंबी बात करी जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं फ्यूचर में इस पर एक वीडियो बना सकता हूं, आप कॉमेंट्स में लिखकर बता दीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी डिस्कशन इस पर की जा सकती है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे, तरीके थे दोस्तों इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए। अगर आपको ये सॉल्यूशंस इफेक्टिव लगे, आपको लगता है ये काम कर सकते हैं और आपके पानी बचाने में बहुत मदद करेंगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, सबके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अलग अलग जगह शेयर कीजिए, ताकि हर कोई ये तरीके इंप्लीमेंट कर पाए और हर कोई एक बड़े स्केल पे हम सब मिलकर पानी बचा पाए और इस वाटर क्राइसिस से फाइट कर पाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, इन्फॉर्मेशन लगते हैं, तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए मैं फ्यूचर में बनाता रहूं। आप जैसे लोग ही मेरे वीडियोस की फंडिंग करते हैं जिसकी वजह से मैं काम कर पाता हूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।